एक्सरसाइज थ्री पॉइंट थ्री क्वेश्चन नंबर टू फाइंड दोगरथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स के जो भी नंबर्स क्वेश्चन नंबर टू में गिवन है उनके हमें लोगरथम फाइंड आउट करना है तो हमारे पास पार्ट वन में मौजूद है एट और हमें लोगो एट को फाइंड आउट करना है तो हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे करेक्टर स्टिक को करेक्टर स्टिक जो के बराबर होगा तो इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट को पॉइंट आउट करेंगे तो हमारे पास रेफरेंस पॉइंट फर्स्ट नन ज़ीरो डिजिट के बाद आएगा अभी इस एट को हम एट पॉइंट ज़ीरो 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 भी लिख सकते हैं जितना भी हमारी मर्जी और ये सभी ज़ीरो इस पॉइंट के बाद है और हमारे पास रेफरेंस पॉइंट भी इसी फर्स्ट डिजिट के बाद ही आएगा और उसको हम शो करेंगे इस साइंस इसको हम कहेंगे रेफरेंस पॉइंट रेफरेंस पॉइंट और ये हर वक्त फर्स्ट नन ज़ीरो डिजिट के बाद आएगा यानी पहला वो पहला डिजिट जो कि सिफर ना हो और इधर हमारे पास पहला डिजिट आठ है तो ये आठ के बाद आ जाएगा और हम अभी देखते हैं कि इस रियल पॉइंट इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान कितने डिजिट्स का फासला है चूँकि इधर ये ये ओरिजिनल पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट दोनों एक साथ ही है तो हमारे पास करेक्टिक आ जाएगा ज़ीरो ये हो गया हमारे पास करेक्टिक अभी हम फाइंड आउट करेंगे मेंटिस, मेंटिसा को जो के बराबर होगा इसके लिए हम अगर हमारे पास एट पॉइंट ज़ीरो जीरो ज़ीरो है तो हम फर्स्ट टू डिजिट को लेकर तीसरे डिजिट के कालम में देखेंगे और ये चीज़ और इस चीज़ को हम लोगर्थम के टेबल में देखेंगे तो हमारे पास लोगर्थम का जो टेबल है वो बुक के लास्ट पर मौजूद है तो इधर हम सबसे पहले इधर क्या था एट्टी को हम इस ज़ीरो के कॉलम में देखेंगे तो हम एट्टी को इस साइड पर फाइंड आउट करेंगे और इस सिफ़र को यहाँ से तो इधर हमारे पास फोटी नाइन तक है तो इधर हमारे पास एटी आ जाएगा ये रहा एटी और इसको हम देखेंगे सिफर के कालम में जो कि आ जाएगा नाइन ज़ीरो थ्री वन तो हमारे पास नाइन ज़ीरो थ्री वन और यही हमारे पास होगा मेंटिसा, और अभी हम लिखेंगे लॉग ऑफ एट इज़ इक्वल टू तो हमें अगर लोगों फेट को फाइंड आउट करना है तो उसको हम लिखेंगे उसका फार्मूला है कि करेक्टरस्टिक प्लस पॉइंट मेंटिसा और हमारे पास करेक्टरस्टिक मौजूद है ज़ीरो ज़ीरो प्लस और ये पॉइंट मेंटिसा की जगह नाइन ज़ीरो थ्री वन तो ज़ीरो प्लस जीरो जीरो प्लस पॉइंट नाइन ज़ीरो थ्री वन हमारे पास आंसर आएगा आंसर आ जाएगा जीरो पॉइंट नाइन जीरो थ्री वन यही हमारे पास लोग ऑफ एट का आंसर है और अभी हम पार्ट टू को सोल्व करेंगे जिसमें हमारे पास क्वेश्चन है नाइन्टी टू तो हमें लोग ऑफ नाइन्टी टू फाइंड आउट करना है तो हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे करेक्टिक को जो के बराबर होगा तो अभी हम हमारे पास मौजूद है 92 टू यहाँ पर असल जो पॉइंट है वो टू के बाद मौजूद है और टू के बाद हम सिफ़र भी लगा सकते हैं और अभी हमारे पास ये जो रेफरेंस पॉइंट है ये फर्स्ट नंबर के बाद आ जाएगा और इधर हमारे पास फर्स्ट नंबर नाइन है और अभी इस पॉइंट और इस रेफरेंस पॉइंट के दरमियान सिर्फ एक डिजिट का फ़र्क है तो हमारे पास करेक्टिटिक आ जाएगा वन सही है तो हमारे पास करेक्ट्रिस्टिक आ गया वन अभी हम फाइंड आउट करेंगे मेंटिसा को तो हम सबसे पहले इस 92 को ज़ीरो के कॉलम में देखेंगे तो इसको तो इसको देखने के लिए हम लोग की टेबल को यूज़ करेंगे तो हमारे पास 92 टू इस कॉलम से फाइंड आउट होगा तो हमारे पास 92 टू ये रहा और इसको हम देखेंगे जीरो के कालम में तो जीरो के कालम में नाइन्टी टू का आंसर नाइन सिक्स थ्री एट आ जाएगा तो हमारे पास मिनटिसा आएगा नाइन सिक्स थ्री एट और अभी हमारे पास लोग ऑफ नाइन्टी टू इज इक्वल टू तो करेक्टर प्लस पॉइंट मिनटिसा इज इक्वल टू तो करेक्टर हमारे पास मौजूद है वन प्लस पॉइंट मिनटिसा हमारे पास नाइन सिक्स थ्री एट इज इक्वल टू वन प्लस पॉइंट नाइन सिक्स थ्री एट आंसर आ जाएगा वन पॉइंट नाइन सिक्स थ्री एट यही हमारे पास लोग ऑफ नाइन्टी टू का आंसर है और अभी हम पार्ट थ्री को सॉल्व करेंगे जिसमें हमारे पास क्वेश्चन है वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी थ्री तो हमें लोगोफ वन 123 फाइंड आउट करना है हम सबसे पहले करेक्टर स्टिक फाइंड आउट करेंगे करेक्टर स्टिक तो हमारे पास जो असल पॉइंट है वो यहाँ पर मौजूद है और हम रेफरेंस पॉइंट को फर्स्ट नंबर के बाद लगा देंगे और इधर हमारे पास फर्स्ट नंबर वन है और इस पॉइंट और इस रेफरेंस पॉइंट के बीच दो डिजिट्स का फ़र्क है तो हमारे पास करेक्टिस्टी आ जाएगा टू और ह, अभी हम फाइंड आउट करेंगे मेंटिसा को इज इक्वल टू तो हम 12 को इन दो को ए, एक साथ करके इस थ्री के कॉलम में देखेंगे तो इसको हम लोक की टेबल से देखेंगे तो हमारे पास 12 आ गया ये और थ्री का कॉलम आ गया ये हमारे पास इसका आंसर है ज़ीरो एट नाइन नाइन तो हम लिखेंगे ज़ीरो एट नाइन नाइन ये चीज़ हमारे पास मेंटीसा अभी ऑफ वन ट्वेंटी थ्री इज इक्वल टू करेक्टरस्टिक प्लस डाट मेंटीसा और हमारे पास करेक्टरस्टिक है टू प्लस पॉइंट मीटिसा की जगह जीरो एट नाइन नाइन आ जाएगा और ये आंसर आ जाएगा टू पॉइंट जीरो एट नाइन नाइन यही हमारे पास लोग ऑफ वन ट्वेंटी थ्री का आंसर है क्वेश्चन नंबर टू पार्ट फोर जिसमें हमें लोग ऑफ फोर फाइव फोर सिक्स को फाइंड आउट करना है तो हम सबसे पहले करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करेंगे हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है फोर फाइव फोर सिक्स यहाँ पर हमारे पास जो पॉइंट है वो सिक्स के बाद मौजूद है और इधर हम रेफरेंस पॉइंट को पुट करेंगे फर्स्ट डिजिट के बाद जो कि फोर है और अभी इस पॉइंट और इस रेफरेंस पॉइंट के बीच तीन डिजिट्स का फ़र्क है तो अभी हमारे पास करेक्टरिस्टिक थ्री आ जाएगा और उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे मेंटिसा को जो कि इसको फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले अगर हमारे पास क्वेश्चन फोर फाइव फोर सिक्स हो तो हम फोर्टी फाइव को एक बार फोर के कालम में देखेंगे और फोर्टी फाइव को डिफरेंस वाले कॉलम में भी देखेंगे और उसके लिए हम सिक्स को इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास सबसे सबसे पहले फोटी फाइव को सिक्स के कालम में तो हम फोर्टी फाइव को इस साइड से फाइंड आउट करेंगे तो ये चीज़ हमारे पास फोर्टी फाइव है और फोर्टी फाइव को भी हम फोर के कालम में देखेंगे तो ये फोर तो ये चीज़ हमारे पास आ जाएगा सिक्स से सिक्स फाइव सेवन वन हमारे पास आंसर आ जा गया सिक्स फाइव सेवन वन और अभी हम इस इसी 45 फाइव को इस सिक्स के कालम में भी देखेंगे लेकिन इसको हम इस डिफरेंस वाले कालम से फाइंड आउट करेंगे जिसको जिसको उर्दू में फ़र्क वाले कॉलम कहा गया है और ये रहा हमारे पास 45 और यहाँ से हम 6 को फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास 6 का आंसर आ जाएगा यही सिक्स ही तो इधर हम लिखेंगे प्लस 6 दोनों को प्लस करेंगे और हमारे पास 65 फाइव सेवन सेवन आ जाएगा ये चीज़ हमारे पास मिनटिसा है और अभी हम लोगोफ फोर फाइव फोर सिक्स को फाइंड आउट करेंगे इसी फार्मूले से के करेक्टरिस्टिक प्लस पॉइंट मिनटिसा और अभी हमारे पास करेक्टरस्टिक मौजूद है थ्री प्लस पॉइंट मिनटिसा की जगह सिक्स फाइव सेवन सेवन और अगर इन दो को हम आपस में प्लस कर ले तो थ्री पॉइंट सिक्स फाइव सेवन सेवन आ जाएगा यही हमारे पास लो ऑफ फोर फाइव फोर सिक्स का आंसर है और अभी हम क्वेश्चन नंबर टू के पार्ट फाइव को सॉल्व करेंगे हमारे पास पार्ट फाइव में मौजूद है चार हज़ार या फोर थाउजेंड और हमें लोग फोर थाउजेंड फाइंड आउट करना है तो अगर हमारे पास फ़ोर थाउजेंड है तो यानी इसके लास्ट में तो अगर हमारे पास क्वेश्चन फोर थाउजेंड है यानी कि इसके लास्ट में पॉइंट मौजूद हैं और हम प्रेफ्रेंस पॉइंट को फोर के बाद पुट करेंगे और अभी इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच तीन डिजिट्स मौजूद है तो तो हमारे पास करेक्टिक आ जाएगा करेक्टिक इज इक्वल टू थ्री और अभी हम मेंटिसा को फाइंड आउट करेंगे इज इक्वल टू और इसके लिए हम इस फोर्टी को सिफर वाले कालम में देखेंगे तो हमारे पास फोर्टी ये रहा और सिफ़र का कालम हमारे पास सिक्स ज़ीरो टू वन ये सिफ़र का कालम है तो इसका आंसर आ जाएगा सिक्स ज़ीरो टू वन और अभी अगर इधर हम देखें यहाँ पर हमने फोर्टी फाइव को सिक्स सिक्स वाले कालम में भी देखा जो कि वो डिफरेंस वाले कालम में मौजूद था लेकिन अगर हम इधर 40 को इस सिफर के कालम में भी देखें तो ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि डिफरेंस वाले कालम में ज़ीरो मौजूद है ही नहीं तो हम सिर्फ इसी सिफ़र के कालम में जो कि इस साइड पर मौजूद है उसी में देखेंगे तो हमारे पास इसका आंसर सिक्स ज़ीरो टू वन आ गया था सिक्स ज़ीरो टू वन और अभी हमारे पास ऑफ फोर थाउजेंड इज इक्वल टू करेक्टरस्टिक प्लस पॉइंट मटिसा और हमारे पास करेक्टरस्टिक है थ्री प्लस पॉइंट मटिसा की जगह सिक्स ज़ीरो टू वन और हमारे पास आंसर आ जाएगा थ्री पॉइंट सिक्स ज़ीरो टू वन यही हमारे पास लोग ऑफ़ फोर थाउजेंड का आंसर है और अभी हम क्वेश्चन नंबर टू के पार्ट नंबर सिक्स को सोल्व करेंगे जिसमें हमारे पास क्वेश्चन सिक्स ज़ीरो ज़ीरो फाइव मौजूद है और हमें फाइव को फाइंड आउट करना है तो अगर हमारे पास क्वेश्चन सिक्स ज़ीरो ज़ीरो फाइव है तो यानी इसके एंड में ये पॉइंट है और यहाँ पर हमारे पास रेफरेंस पॉइंट आ जाएगा जो कि फर्स्ट नन ज़ीरो डिजिट के बाद आ जाएगा और इन दोनों पॉइंटों के बीच तीन डिजिट्स का फ़र्क है तो हमारे पास करेक्टिक आ जाएगा थ्री इज़ इक्वल टू थ्री और उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे मेठिसा को और, और मेठिसा को फाइंड आउट करने के लिए हम सिक्सटी को इस ज़ीरो के कालम और इस फाइव के कालम में देखेंगे और दोनों के आंसर को आपस में ऐड करेंगे हम के टेबल से फाइंड आउट करेंगे और हमारे पास हमें सिक्सटी को जीरो के कालम में देखना है तो हमारे पास सिक्सटी ये रहा और ये रहा जीरो का कालम हमारे पास सेवन सेवन एट टू इसका आंसर है तो इधर हम लिखेंगे सेवन सेवन एट टू और अभी हम इसी सिक्सटी को इस फाइव के कालम में भी देखेंगे और ये फाइव हमारे पास इस डिफ्रेंस वाले कॉलम में से होगा तो ये रहा हमारे पास सिक्सटी और ये रहा हमारे पास फाइव तो इन दोनों का आंसर आ जाएगा फोर तो हम यहाँ पर फोर को इस पर ऐड करेंगे प्लस फोर और फोर प्लस टू हमारे पास सिक्स आ जाएगा ये एट वैसे ही सेवन सेवन और अभी हम लोग ऑफ सिक्स ज़ीरो ज़ीरो फाइव इज इक्वल टू करक्टरस्टिक प्लस पॉइंट मिनटिसा और हमारे पास करेक्टरिस्टिक मौजूद है थ्री प्लस पॉइंट मिनटिसा की जगह ये चीज आ जाएगा सेवन सेवन एट सिक्स और अगर इन दोनों को प्लस किया जाए तो सेवन पॉइंट थ्री पॉइंट सेवन सेवन एट सिक्स आ जाएगा यही हमारे पास लोग सिक्स जीरो जीरो फाइव का आंसर है और अभी हम क्वेश्चन नंबर टू पार्ट सेवन को सोल्व करेंगे जिसमें हमारे पास आंसर नाइन पॉइंट सिक्स टू फाइव है और हमें लोग फाइंड आउट करना है तो हम सबसे पहले करेक्टरिस्टिक को फाइंड आउट करेंगे तो करेक्टरिस्टिक को फाइंड आउट तो करने के लिए हम क्वेश्चन में सबसे पहले रेफरेंस पॉइंट को लगा देंगे और रेफरेंस पॉइंट हमारे पास फर्स्ट डिजिट के बाद आ जाएगा यानी यहाँ पर और अभी इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच कोई डिजिट का फ़र्क नहीं है तो इसीलिए हमारे पास करेक्टरिस्टिक आ जाएगा ज़ीरो और अभी हम फाइंड आउट करेंगे मेंटिसा को मेंटिसा के लिए हम इस 96 को टू के कालम में और फाइव के कॉलम में देखेंगे तो ये रहा हमारे पास नाइनटी सिक्स और ये रहा हमारे पास टू कॉलम। का इसका आंसर आ जाएगा नाइन एट थ्री टू तो हम लिखेंगे नाइन एट थ्री टू एंड देन प्लस अभी हम इसी नाइन्टी सिक्स को फाइव वाले कॉलम में बी देखेंगे लेकिन इस फाइव को हम डिफरेंस वाले कॉलम से चूज़ करेंगे तो हमारे पास 96 सिक्स ये रहा और हमारे पास 5 यहाँ से 96 इसका आंसर आ जाएगा 2। तो हम 2 को इस पर प्लस करेंगे प्लस 2। इसका आंसर आ जाएगा 9834। और अभी लोग नाइन पॉइंट सिक्स टू फाइव इज इक्वल टू करेक्टर प्लस पॉइंट मिनटिसा इज इक्वल टू करेक्टरस्टिक हमारे पास जीरो है तो प्लस पॉइंट मिनटिसा जगह नाइन एट थ्री फोर और इसका आंसर आ जाएगा जीरो पॉइंट नाइन एट थ्री फोर यही हमारे पास लो गफ नाइन पॉइंट सिक्स टू फाइव का आंसर है और अभी हम क्वेश्चन नंबर टू के पार्ट एट को सोल्व करेंगे जिसमें हमारे पास क्वेश्चन गिवन है 165.5, तो हमें लोग ऑफ तो हमें लोग ऑफ 165.5 को फाइंड आउट करना है और सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे करेक्टरिस्टिक को हमारे पास क्वेश्चन वन सिक्स फाइव पॉइंट फाइव मौजूद है और यहाँ पर हम सबसे पहले रेफरेंस पॉइंट को लगा देंगे जो कि फर्स्ट डिजिट के बाद आ जाएगा और इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच दो डिजिट का फ़र्क है तो अभी हमारे पास कलेक्ट्रिस आंसर आ जाएगा टू और उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे मेंटिसा को और मेंटिसा को फाइंड आउट करने के लिए हम सिक्सटीन को फाइव के कॉलम और 16 को फिर 5 के कालम में देखेंगे और इन दोनों के आंसर को फिर ऐड करेंगे तो हम सबसे पहले 16 को इस 5 के कालम में देखेंगे तो हमारे पास 16 ये रहा और 5 का कालम यहाँ से ये रहा तो इसका आंसर है वन टू वन सेवन फाइव अभी हम लिखेंगे टू वन सेवन फाइव और अभी हम सिक्सटीन को इस फाइव के कालम में भी, दे, भी देखेंगे और वो फाइव हमारे पास इस डिफरेंस वाले कालम से होगा तो ये रहा सिक्सटीन और ये फाइव और ये फाइव का आंसर यहाँ पर हमारे पास फोर्टीन और थर्टीन मौजूद है लेकिन हम यहाँ से चूज़ करेंगे थर्टीन को क्योंकि हमारे पास जब अगर इस फाइव से पहले वाला जो डिजिट होगा अगर ये फाइव या फाइव से बड़ा होगा तो हम नीचे वाले डिजिट को चूज़ करेंगे और अगर ये डिजिट हमारे पास फ़ोर थ्री या टू या वन होता तो हम इस फोटीन को चूज़ करते तो अभी हम थर्टीन को चूज़ करेंगे हमारे पास प्लस थर्टीन और ये थ्री थ्री प्लस फाइव एट आ जाएगा और वन प्लस से भी एट आ जाएगा और ये वन और ये टू वैसे ही तो अभी हमारे पास लोग ऑफ वन सिक्सटी फाइव पॉइंट फाइव बराबर होगा करेक्टरस्टिक प्लस पॉइंट मटीसा के और हमारे पास करेक्टरिस्टिक मौजूद है टू प्लस पॉइंट में सा की जगह टू वन एट एट आ जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा टू पॉइंट टू वन एट एट यही हमारे पास लोग ऑफ वन सिक्सटी फाइव पॉइंट फाइव का आंसर है और अभी हम क्वेश्चन नंबर टू के पार्ट नाइन को सोल्व करेंगे जिसमें हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है ज़ीरो पॉइंट टू टू फोर तो हमें लोग ऑफ 0.224 को फाइंड आउट करना है तो हम सबसे पहले करेक्टरिस्टिक को फाइंड आउट करेंगे और इधर हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है 0.224। और इधर हम फुट करेंगे सबसे पहले रेफरेंस पॉइंट को और रेफरेंस पॉइंट आ जाएगा इस टू के बाद तो यहां पर आ जाएगा क्योंकि हमारे पास फर्स्ट नंबर जो कि ज़ीरो जो कि ज़ीरो नहीं है वो है टू और अभी इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान सिर्फ़ एक ही डिजिट का फ़र्क है तो उसकी जगह तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक आ जाएगा वन अभी चूंकि यहाँ पर ये पॉइंट रेफरेंस पॉइंट के लेफ्ट साइड पर मौजूद है तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस वन और अगर ये पॉइंट रेफरेंस पॉइंट के राइट हैंड साइड पर मौजूद हुआ तो यहाँ पर हमारे पास करेक्टरस्टिक प्लस वन होगा यानी अगर हमारे पास ये रहा रेफरेंस पॉइंट और ये इस साइड पर पॉइंट आ जाए तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक होगा प्लस में और यहा अगर यहाँ पर और अगर यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट हो और असल पॉइंट रेफरेंस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पर हो तो इधर हमारे पास करेक्टरस्टिक होगा नेगेटिव में तो इधर हमारे पास आ तो इधर हमारे पास करेक्टिक आ जाएगा माइनस वन के बराबर और इस चीज़ को हम लिखेंगे वन बार की शक्ल में यानी हम इस माइनस को बार से शो करेंगे यहाँ पर लोग में और अभी हम फाइंड आउट करेंगे मेंटिसा को मेंटिसा इज़ इक्वल टू इसके लिए हमारे पास क्वेश्चन था जीरो पॉइंट टू टू फोर तो हम ट्वेंटी टू को फोर की कालम में देखेंगे ट्वेंटी टू को फोर की कालम में तो हमारे पास ये रहा टेबल और ये हमारे पास ट्वेंटी टू और ये फोर का कॉलम का यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा थ्री फाइव टू थ्री फाइव ज़ीरो टू और अभी हमारे पास लोग ऑफ ज़ीरो पॉइंट टू टू फोर बराबर होगा करेक्टरस्टिक प्लस डॉट मेंटिसा के और हमारे पास करेक्टरिस्टिक है वन बार प्लस पॉइंट मिटिसा जगह थ्री फाइव ज़ीरो टू और हमारे पास आंसर आ जाएगा वन बार पॉइंट थ्री फाइव ज़ीरो टू यही हमारे पास लोग ज़ीरो पॉइंट टू टू फोर का आंसर है